मेरे सज्जनों ते मेरे मित्रों ते मेरे भैन भरावो, अज दा शो मेरा पक्का पंजाबी शो ते अज दा शो जेड़ा वो 546 शो ते शो दा टॉपिक है मेनू रब बचावेगा, मेनू रब बचावेगा। और साड़ी पक्की ते पुख्ता उम्मीद अपने रब ते शुरू तो ते हमेशा है, असी भले जो कुछ भी मर्जी करिए लेकिन फिर भी साड़ा ध्यान कदी भी अपने रब तो पिछे नहीं हो रहिंदा, ते रब सानू जरूर अपना हाथ वधा के बचा लेंदा है। और जरूर आज भी वो खुदा बाप है, अजली ते अब्दी बाप है, वो आज भी सानू बचाएगा। असी जरूर ओदे सामने तौबा करिए, दुआ करिए, जो कुछ भी हो सके असी ओदे कोलो माफिया मंगिए, ते जरूर सानू वो बचावेगा। ते आज दा ए जेड़ा हवाला लै जबूर 18 ओदा तीजा हिस्सा, ते वो जबूर जेड़े उस्ताद इमामदीन साहब ने बहुत अच्छा तर्जमा कीता, ते ओदी मैं पहलियां दो आयता पढ़ांगा। आपे उपरो हाथ वड़ा के मैनू रब बचावेगा, और यही मेरा टॉपिक है कि मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। और एदे कोई शक नहीं, सानू ते उन्हें किन्नी वारी इस डूंगे पानी चो कढ़िया, और हुण ही असां उहदे बेटे दा इस दुनिया ते मुरदिया चो जी उठण दी मनाई, ते उहने उस तो वड्डा होर साडे ते एहसान केड़ा कीता कि अपना बेटा बख्श के सानू उस गंदगी ते उस डूंगे टोए चो कढ़िया। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार उहदे नाल पक्की गल है, वो मेरा ते साढ़े सारिया दा जोर है। वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है, उदे नाल मेरे भारी धोती दुश्मन जेड़ा वड्डा दुश्मन, धोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है ओना कोलो मेरे रब ने मिन्नू आप छड़ाया है। ओना दुश्मना ने जिन्ना साढ़े नाल वैर कीता और शैतानी काम कीते, ते खुदा ने ओना कोलो भी सानू बचाया है। ओ जोर मेरा है, ते मेरा प्यार ओदे नाल, और एदे च कोई शक भी नहीं कि ओ साडा जोर है, और उस तो वड्डा साडा इस दुनिया च कोई जोर नहीं गा, क्योंकि दुनिया झूठियां दी है, ये मुनाफका दी है, झूठ बोलन वालियां दी दुनिया, शैतानी कम्मा करन वालियां दी दुनिया, ते इसलिए सानू जेड़ा बचांदा है वो अपना रब, मिन्नू रब बचावेगा। मिन्नू ते तुहानू ही रब बचा सकता है। अजकल दी अगर इस वबा तो अगर उस ते अगर मैं इस तरह भी लवा के दुनियावी तौर ते भी असी वेखे, असी बाप जदों बनने ते साडे बच्चे जदों बिगड़ जांदे ते असी सजा जरूर देने उन्हां नूं, ते अगर ओ अच्छे बच्चे अच्छे तरबियत वाले खुदा नूं मन्नण वाले साडियां गल्लां, ते जरूर थोड़ी बहुती सजा देईए ते मन जांदे ने। ते अज भी खुदा ने अगर ओ रूहानी बाप असली बाप सारी उहने सानूं इस दुनिया खूबसूरत दुनिया दित्ती है, ते अगर अज ओ रुस पिया साडे नाल ते असी ओनू मना सकने, ओ अपना हाथ वधा के सानू हर लिहाज नाल किन्ने भी असी शैतानी कम्मां च डुब चुके हां, ओ जरूर अपना हाथ पा के सानू वधाएगा। ते अज दा सारा शो जिन्ने भी शायर ने, वरियाम साहब, सादिक वरियाम साहब, ते ओदे बाद टीना विलियम मेरी भैन इटली तो, बड़ा अच्छा शहजाद गिल साहब ने, नहाल नायत गिल देने, ते सैमिल यकूब बल्लू दा एक शेर बड़ा अच्छा है, ते आखर च यूसुफ रिंद साहब, ते दो शेर जवेद अख्तर साहब सऊदिया तो सब ते पहलो जेड़े मैं पढ़ांगा
साधक भरिया लुट मार दे मतलब लिखिया है लुट मार ते सन 47 तो जदो तो पाकिस्तान बनया वरियाम साहब कह रहे ने लुट मार सन 47 तो मुखण तो ना आवे जदो दा मुल्क बनया ओदो दी लुट मार ए हेरा फेरी झूठी सारी हुकूमत आईया 47 तो लैके लुट मार नहीं मुकन दई चोर चौधरी बिलकुल चोर चौधरी खान वडेरे अज भी लुट मचाए ने 47 तो लैके अज तक और लुट मार जेड़ी उन्होंने मचाई है ते और लुट मार जेड़ी अज भी जारी ते सारी है सियासतदाना अन्नी पाई है बिलकुल सियासतदाना अन्नी पाई सानू वेच के खादा बिलकुल असी जिवें दुनियावी तौर ते अपनी थोड़ी पौड़ी जमीन हुंदी है ते उहने असी गहने पा पा के उहदे तो ही खर्चे पूरे करदे रहिंदे मेहनत नहीं करदे तो इसे तरह सियासतदान भी देख साडे मुल्क नूं पाकिस्तान नूं गहने पा पा के रिश्वतां लै मुल्कां तो बाहरों कर्जे लै लै के खा दिते ने ते उहनां ने वेच के सानू ते साडे मुल्क नूं खा लिया अगलियां नस्लां नूं किन्ने भागना गहने पाके अगलियां नस्लां नूं गहने पाके डालर खीसे पाए क्या बात बहुत अच्छा लिखा के जेड़ी आने वाली नस्ल है साडी असी मतलब असी मैं 47 दी मेरी पैदाइश है ते असी उदो तो सानू वेचन दे ने अगो साडे बच्चे भी वेची जांदे ने अगो नस्लां दीआं नस्लां भी उन्होंने वेच दित्तियां ने ते डालर दी अपने खीसे पा के ते मुल्कों बाहर नसदे ने ते मन दे फेर भी कोनी बेइज्जती बड़ी हो गई इंतहा दी बेइज्जती पर ये जेड़े जहरे जेड़े झूठे चोर नू जिन्ने मर्जी डंडे मारो वो नहीं मानता जो मर्जी कर लो वो आंदा भी मैं जेड़ा खा छड़े मैं नहीं जे मनना जो मर्जी कर लो और ये हुई साडे सियासतदान कर दे मुल्ला खौफ दा सिंबल बनया मुल्ला जेड़ा है वह खौफ दा एक निशानी एक सिंबल बनया दहशत अपनी पाई बड़ी दहशत वाकई मुल्ला दी मौलविया ने जदों तो 47 तो लैके हुण ते इन्नी दहशत है कि गौरमेंट जेड़ी है उन्हां कोलों डरती क्योंकि दहशतगर्दी दे विच मुलवस ने और उन्होंने गरीबां नूं मसीहां नूं जेड़े कलियती लोग ने बहुत मारे बहुत मारदे ने लेकिन वो किसे कोल नहीं डरते खुदा कोलो ना जरूर लेंदे ने खुदा दा लेकिन वो खुदा कोलो डरदे कोनी चोर सप दी दहशत अपना बुकल मूल चो जेड़ा सप दी दहशत बड़ी हुंदी तो वो चुंगली मार के अपनी बुकल मार के अपना जेड़ा मुंह लका लेंदा है और यही होना वरियाम साहब कह रहे कि चोर सब दी दहशत अपने मुकल बुकल मुंह लकावे इन्हां दी दहशत है नहीं इन्हां नूं कोई परवाह नहीं वो अपना मुंह नंगा भी लैके फिरन लेके उन्हां नूं कोई डर खौफ नहीं आओ सारे तौबा करिए वेली बड़ी अच्छी दावत है के आओ सारे तौबा करिए रब दा तरला पाइए कि जेड़ा एहो ही है कि मैनू रब बचावेगा अगर असी ओदे कोलो तरले पाइए मिन्नता मनिए गुनाहां दी माफी मंगिए तो सानू बचाएगा आओ सारे तौबा करके रब दा तरला पाइए तोड़े सारे बंधन साढ़े तोड़े सारे बंधन साढ़े अपना रहम बचावेगा तो वो अपना रहम वखाएगा क्योंकि वो साडा खुदा है वो साने डूंगे पानिया चो भी कढ लेंदा जिथे भी हो अगर ओदी नजर सवाली हो जाए साडे ते मेहरबानी हो जाए तो जरूर सानू बचा लेंदा जरूर बचाएगा अज भी सानू बचाएगा तोड़े शैतान तोड़े सारे बंधन साढ़े अपना रहम वखावे सारे बंधन तोड़ के ओदे बाद बड़े अच्छे दो शेर ने तीन शेर ने पहला शैतान नाल जिस नू छू सके खुदाम यीशु मसीह दे हवाले नाल ने
शैतान ना जिस नू छू सके मासूम ओ वह दुनिया ते जिन्नू शैतान नहीं छू सकता। शैतान ने अपने शैतानी लोका नाल उस वक्त दे लोका नाल मिलके उन्हू सूली चढ़ा दिता, लेकिन वो फिर भी खुदा यीशु मसीह जिंदा हो गया, उन्हें मौत ते ते शैतान ते फतह पाई। और मिन्नू देन देन के जीवन लिए आज मौत ते रस्ते जांदा है, मिन्नू देन लिए जिंदगी देन लिए खूबसूरत जिंदगी रूहानी जिंदगी देन लिए ओ आज मौत दे रस्ते ते तुरिया जांदा है। और उस मौत दे रस्ते ते चल के ते उस सलीबी मौत दी वजह सानू उन्हें बचाया। और इस तो वड्डा की है कि मैनू रब बचाएगा, रब ते बचांदा रहिंदा, असीं खुद ही रब कोलो तौबा करके फिर मुकर जाने हैं और फिर सानू खुदा सजा दिंदा, लेकिन असीं फिर बार बार डिगने ते बार बार ओहदे कोलो तौबा मंगने ते ओह सानू बचा लैंदा। बहुत खूबसूरत। ओहदे बाद एक होर शेर है, बहुत अच्छा लिखिया साधक साहब आपने, जद दी पाई मजहब दी हट्टी, जद दी पाई मजहब दी हट्टी, दूनी चूनी होगी खट्टी। ए ओ जेड़े मजहब दे ठेकेदार ने जेड़े मजहब तो कमाइयां करते, जिन्ना मजहब दी हट्टी पाईए और जिन्ना नु होर कोई काम नहीं गा, सारी दुनिया दे जिन्ने भी मजहब ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, खुली दुकान पा के बैठा, तो बड़ी बिल्कुल दूनी चूनी होगी खट्टी और उन्हां दी खट्टी बहुत ज्यादा हो गई। गरीब लोगों को चंदे दै यकियां लेके या मौलाना हजरात भी बहुत कुछ उन्हां को लेंदे ने, ज्यादतियां भी, तो उन्हां दी खट्टी खट्टी उन्हां दी दहशत भी बड़ी है। पंजे पंजे घ्यो विच असीं आंदे नहीं यार, तेरियां ते पंजे ही उंगलां घ्यो च ने, एहो ही वरियाम साहब कह रहे ने, पंजे घ्यो ते सर कढ़ाई विच, पंजे घ्यो ते सर कढ़ाई, फाके डाने अग दी पट्टी, भावे तेनू की तेरे ते पंजे तेनू तो केड़ी चीज दी कमी है, बाकी जेड़े भुखे लोगो भावे अग च जान जिथे मर्जी जान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੱਟੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਝੂਠ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਭਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵੀ ਲਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਵਾਂਗੂ ਲੈਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ
अगर बगैर गर्ज तो बगैर जरूरत तो बगैर मतलब तो असी करिए कखो हौला जानना सानू सानू इना भी ना हो जान के असी गलियां दे कखा नो भी होले असी इन्ने होले नहीं गे सानू इंज ना तू रोल कखा भी पारा कखो भी पारा हो सकता है कख भी जेड़ा ओदी जरूरत भी पै जांदी और कख भी पारा हो सकता है कदी कदान जान दा दुश्मन कदी ना कदी दे कदी कदी कई बार ऐसे वक्या हुंदा है कि कदी कदान जान दा दुश्मन जान तो प्यारा हो सकता है और कदी ना कदी किसे नू रहम ते आ सकता है और जान दा दुश्मन जेड़ा है कदी भी साडे ते कोई मेहरबानी कर सकता है और सानू कोई औखे पारवेरे सानू हाथ दे सकता है लेकिन सब तो वड्डा जेड़ा हाथ दे सकता है मिन्नू रब बचावेगा मिन्नू डूंगे पानी चो कड लेगा सिर्फ रब दे इंसान ते मतलब दी खातर लेकिन रब नू साडे कोलो कोई मतलब नहीं सानू ही रब कोलो मतलब इसलिए मिन्नू रब बचाण वास्ते हर वक्त जेड़ा वो मौजूद है त्यारे नहाल नैब दे दो शेर ने ते कुछ भी साडे पले नहीं कुछ भी साडे पले नहीं फिर भी वेख वेख ला कले नहीं साढ़े पले कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी वेख ला से कले नहीं साडा रब साडे नाल साडा खुदा साडे नाल है ओदा बेटा साडे नाल है ओ सानू अपना हाथ वड़ा के डूगे पानी चो कढ लैंदा ओदा साडे नाल बहुत प्यार है असी भावे ओनू दुख देने लेकिन ओ अजली बाप असी ओदे बच्चे ते सानू कल्या ना समझो ओ रब साडे नाल फेर भी वेख ला सी कल्ले नी खुल गईयां कबरां जलाल हो गया क्या बात है कबरां खुल गईयां कदम दिए सुमसी दे हवाले नाल के ओ जी उठिया कबरां खुल गईयां कबरां जलाल हो गया होया यसु जिंदा ते कमाल हो गया ए ना कमाल पहलो कदी होया सी ते ना कमाल हुण होएगा और आइंदा भी नहीं हो सकता कि जेड़ा कमाल खुदा दे बेटे ने कर छड़िया कि मुर्दियां चो जी उठिया और वो कबर अज भी खाली है इंज कोई भी इंसान नहीं कर सकता सिर्फ खुदा बाप ने कीता अपने बेटे लई सपना बेटा साडे लई सबा करके ये नई वड्डी कुर्बानी दिती और इस तो वड्डा उन्हें प्यार की विखाना है बहुत प्यार विखाया और सानू डूंगे टोए विचो जिथे शैतान ने सानू सुट छड़िया सी ना और सिर्फ खुदा ही आके सानू बचाया खुदा ने अपना बेटा भेजिया ते सानू उस डूंगे टोए चो कड के बाहर रखिया लेकिन असी फिर बेवफाई खुदा ने करदे रहिंदे आ ते हुण फिर सानू सजा मिली ते असी अज भी मौका वे के असी सच्चे दिल नाल ओहदे कोलों प्यार मंगीए तीसरा शेर नहाल अनायत गिल दा जेड़ा कदम यीशु मसीह दे खजूरा दे जेड़ा जलूस निकलिया सी ओहदे च लिखिया अज पत्थर भी बोलन लग पे ने अज पत्थर भी बोलन लग पे ने कहिंदे ने बादशाह है बिलकुल जदों खुदाम यीशु मसीह गधे दे बच्चे ते सवार होके हसे उस वेले ते लोकां ने ओहदा जलूस कढ़िया राज कपड़े विखाए विछाए ते खजूरां दी डालियां नाल हैलेलुया दे गीत गाए ते ओ बादशाह नूं वेख के बहुत खुश होए राज शफा दे खोलन लग पे के जेड़े शफा दे राज सानो खुलन लग पे लोकां दियां अखां खुल गईयां कि एहो यीशु है एहो ही बादशाह असली बादशाह है जेड़ा इस दुनिया ते बादशाह आया सी अज ओ हलीम ते गदी दे बच्चे दे बैठ गया और एहो ही बादशाह शफावां दियां सारे राज खुल गए ते किंदे कहिंदे यीशु बादशाह बहुत अच्छा है और उन्होंने बादशाह दा बहुत इस्तकबाल बहुत अच्छा कीता टीना विलियम बहुत अच्छी पंजाबी नजम हैलेलुया खुदा दा नाम जदों असीं लैंदे जो हैलेलुया प्रेज द लॉर्ड और बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल ओदी तारीफ दे नारे ने उन्होंने लिखिया जिस वेले सोहरा यीशु नासरी ने आउणा है दूसरी आमद दे हवाले नाले
कि जिस वेले यसु नासरी ने आना है रोब नाल ओदी रोब नाल ओदे डर नाल ओदे खाफ नाल रोब नाल टीलियां पहाड़ा हिल जाना बिल्कुल और ये उस वक्त होना है जदो क्यामत दी निशानी होनी है और तुसी बाइबल च पढ़दे हो कि सूरज रोशनी छड़ देगा हर चीज जेड़ी ओ नेरा छा देगा और फिर उस वेले ओदा रोब ना होएगा क्योंकि वो मालिक है पहाड़ा दा मालिक है टीलिया दा मालिक एक एक चीज दा जमीन दे अंदर जमीन दे उत्ते जो कुछ भी है वो सारे दा मालिक है और ओदा रोब चलदा वे चन खुश होवेगा चन बहुत खुश होएगा सितारे गावन गाउन लग पैणगे सितारे गाउन गे हैलेलुया हैलेलुया सारे गावन गे कि ओदी दूसरी जब जदो आमद होगी ओ खुश किस्मत लोग होणगे जेड़े ओनू आसमान तो उतरदिया वेखणगे ते हैलेलुया हैलेलुया दे नारे मारनगे ते ओदे गीत गाणगे थके मांदे दे होए जमाने भर दे थके मांदे रद्दे हुए थके मांदे रद्दे जेड़े रिजेक्ट कर दिते जिन्हां नूं छड़ दिता लोकां ने थके मांदे रद्दे हुए जमाने भर दे फिरनगे सारे यसु यसु कर दे और जेड़े साडे वर्गे गरीब गुरबा जिन्हां नूं लोकां ने छिड़क दिता है छड़ दिता है रद्द दिता है और यसु यसु करनगे यसु जदो दवेगा सारे गावनगे बिल्कुल क्या बात है बहुत अच्छा टीना बीबी बहुत खूबसूरत कलाम खुदा दा पंजाबी कलाम लिखे बहुत अच्छा के यसु जदो दवेगा सहारे ते गावनगे यसु ते सहारे देना है असी दुनिया दे सहारे पिछे जाने असी इस गल नूं भुल जाने कि उन्हें ते अपनी जिंदगी दे के सानू सहारा दे दिता सी क्यों पिछे हटने वो ते अज भी रब सानू अपना प्यार विखांदा है अपना हाथ डूंगे च सानू कढ़न लई तैयार है सानू रब जेड़ा प्यार विखांदा लेकिन असी पिछे हट जाने हैं मुश्किल जिन्ना दा जमाना कीता रहना जेड़े मुश्किल जिन्ना लोकां गरीबा लोकां दा यतीम ते बेवा लोकां दा जिन्ना मुश्किल रहना कीता है ओना ने लोकां नू यसु चुन लेना ओना लोकां नू ही ते लोकां नू यसु ने चुन लेना ओना गरीब गुरबिया लोकां नू जेड़े गरीब ते जिन्हां नू कोनी पुछदा ओना ने यसु नू आके चुनना दिल दे गरीब ते वाजां बचारे गावन गे और जेड़े दिल दे गरीब ते फिर बचारे नहीं रहनगे वो गाउन गे हालेलुया हालेलुया दे प्रेज द लॉर्ड यसु दे नारे मारनगे जिवे उन्होंने उन्हें बैतलहम च वेलकम किया सारी यरूशलम च वेलकम किया सी उस तरह फिर जदों दी दूसरी आमद होगी फिर उस तरह का इस्तकबाल करनगे हालेलुया हालेलुया सारे गाणगे सब गाणगे उदो गरीब ते अमीर ते शैतान जेड़ा वो खत्म हो जाएगा खत्म कर दिता जाएगा 1000 साल वास्ते बंद किया जाएगा और उदो सिर्फ हुकूमत होगी खुदा दे बेटे दी सच्ची ते अच्छी हुकूमत होगी ना गुनाह होएगा ना हेरा फेरी ना कोई होर गल होएगी पावन पावन सजावा गनावा दे बीमारा ने पावनिया सजावां दोना लोकां ने जेड़े गनाज मर चुके ने शैतान दे विच डुब चुके ने शैतानी कम्मां च गरीबां नूं मारन च उह सजावां पाणगे और उन्हें आउणा है दूसरी आमद पहली आमद ते उन्हें सानू बचाया लेकिन दूसरी आमद उह जेड़ी होएगी उन्हां गनाह गुनाहगारां जिन्हां नूं उन्हें बचाया सी अपने हथ नाल उन्हां नूं सजा देगा रोना कुरलाना ते रोने गुनाहगारा ने रोना गुनाहगारा ने रोना है ते कुरलाना है हुण जेड़े दुखां दे मारे गावणगे हुण जेड़े दुखां दे मारे ने जेड़े इस दुनिया च जिन्हां दुख दिता जा रहा है जलील किया जा रहा है वो सारे गावणगे हालेलुया हुण जेड़े दुखां दे मारे गावणगे हालेलुया हालेलुया
सारे गावन के बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओदे बाद सैमुअल यकूब बल्लू रावलपिंडी तो इस्लामाबाद तो उन्हों का बड़ा अच्छा शेर है उन्हों का तो नहीं बहरहाल शेर बहुत अच्छा है। रौनक मेले गल्ला बातां दर्शन शाम सवेरे बहुत अच्छा है। रौनक मेले गल्ला बातां दर्शन शाम सवेरे यारा नाल बहारा बिल्कुल सच्चे यारा नाल झूठे यारा नाल नहीं मतलब दे यारा नाल नहीं यारा नाल दहारा फरीदा ते यारा बाद हनेरे यारा नाल ही बहारा ते यारा दे बाद हनेरे। और जे सच्चे यार ने मतलब दे यार नहीं झूठे यार ने यार मारी करने वाले नहीं ओ जेड़े सच्चे यार ने उन्होंने वाकई बहार आंदे ने और अगर वो यार खत्म हो जान या छड़ दें तो फिर यार दे बात हनेरे ही होंगे। बहुत खूबसूरत लिखिया जवेद नाजर साहब जेड़े इन्हां दे ने इस सऊदी अरेबिया चो ने ते उन्होंने बहुत अच्छा लिखिया पंजाबी च दो शेर ने उन्हां दे हुण ना मैनू वाजा मार हुण ना मैनू वाजा मार मैनू भुखा भी भुखा भी या तरिया वा मैं भुखा वा या तरिया वा हुण ना मैनू वाजा मार मैं भुखा वा या तरिया वा मैं नंगा वा तेनू की मैं नंगा वा तेनू की मेरे नाल है मेरा यार और मेरे नाल मेरा यार है। अगर असि सच्ची यारी ये जेडी उन्होंने गल की थी है कि मैं भावे भुखा वा भावे नंगा कुछ भी अगर ये रूहानी तौर वाल लै जाइए तो अगर मैं भुखा वा मैं नंगा वा तेनू की मेरे नाल है मेरा यार अगर असि सच्ची यारी जेड़े सानू उतो हाथ वड़ा के अज भी सानू प्यार तगरिए यारी ओदे नाल रहिए भावे असि भुखे हाँ भावे असि नंगे हाँ साडे कोल किसे चीज की कमी नहीं वो सानू प्यार करदा है सानू मुहब्बत करदा है। हुण ना मैनू वाजा मार हुण मैनू वाजा ना मार मैं अपने यसु नाल दुनियावी तौर ते भी लै जो भावे लेकिन रूहानी तौर ते अगर वाकई मैं नंगा वा तेनू की और वाकई भुखिया नंगिया हर वाले खाना खान देंदा और उन्हें दो किड्डे मौत से किते किन्ने हजारा नू दो रोटियां ते पांच मछलियां नाल किन्ना पांच रोटियां ते दो मछलियां नाल किन्ने हजार दो वारी उन्हें खाना खाया और अज भी वो भुखिया ते नंगिया नू जेड़े उहदे पिछे जांदे ने जेड़ा उहदा पल्ले फड़दे ने जेड़ा उहदा पल्ले छूंदे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨੰਗਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਯੂਸਫ ਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਇਟਲੀ ਚ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ USA ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਫਨਾ ਜੁਗਨੂ ਤਾਰਾ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੁਫਨਾ ਜੁਗਨੂ ਤਾਰਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਦ ਵਾਕਈ ਸੁਫਨੇ ਇੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਅਗਰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ
ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਚ ਖੁਰਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛੇ ਵੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਖਾਬ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਬ ਦਿਖਾਏ। ਅੱਛੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਖਾਬ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨੰਗਰ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਾਮ ਗਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਿਹਰਾ ਗੌਰ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਚਿਹਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਝੂ ਹਾੜੇ ਲੱਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਝੂ ਹਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਮ ਤੇ ਹਾੜੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਰਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਸੱਤ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਗਮ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਗਮ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗਮ ਸਹਾਰਾ ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਮ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਮ ਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ
फिर भी साडा अपना मेहमान है कि मैनू रब बचावेगा। असी सारा दिन फेसबुक तो टीवी तो बहुत सारे लोगों नाल गल्लां करने आ, ईमान दियां पक्कियां गल्लां करने के रब सानू जरूर सानू बचाएगा। जित के भी इंज लगदा सी, मैनू हारी बाजी हार गए जिवें बाजी हार के मैं जित के भी मैनू इंज लगा के मैं जीती बाजी हार गया। और कई वारी सानू सच्चे प्यार नाल हारना ही पैंदा, बच्चियां दे सामने भी असी जान के भी हार अपने मन लैंदे, असी जित के भी क्योंकि उन्होंने साबित करने लिखे असी तुहानू प्यार करने। इस तरह खुदा हार तो नहीं सकता लेकिन सानू खुश करने लिए बहुत सारे, लेकिन जो नाराज हुंदा तो फिर साडे वास्ते वो मुश्किलां भी करदा है, वबावां भी आफतां भी मुश्किल वक्त भी दुख तकलीफां बीमारियां भी। फिर असी खुदा नूं याद करने के वाकई खुदा बा तू ही है और तू ही असी, तू सानू प्यार करना, तू सानू डूंगे पानी चो कढ़ सकना। जित के भी इंज लगदा सी जिवें बाजी हार गए। यूसुफ रोंदा हस पैंदा सी, क्या बात है, यूसुफ अक्सर हुंदा ना कई बार असी रोंदे हुंने ते सानू खुश भी हुंने ते कोई ना किसे खुशी नाल रोंदे रोंदे असी हस भी पैंदे के गम दे नाल खुशी भी हुंदी है। चला ते वेखे चला ते दुखियारा लगे चला ते दुखियारा लगे, अंजे ओ चला भी है लेकिन ओ इंज लगदा के दुखा दा मारे गमा दा मारे, इसलिए ओदे नाल बहुत सारियां परेशानियां ने। बहुत अच्छा लिखा है कि जो जित के भी इंज लगदा सी जिवें बाजी हार गए। यूसुफ रोंदा हस पैंदा सी चला ते दुखियारा लगे, क्या बात है, बहुत अच्छा। और अज दा मेरा पंजाबी शो सी जेड़ा 546 शो वे, और 4-5 दिन दे बाद 550 शो जेड़े ने वो मुकम्मल करांगा। और अज दा शो मैनू रब बचावेगा और ए जबूर 18 चो मैं लेके आपे ही उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। असी अज भी अगर अपने खुदा कोल जाइए, सच्चे खुदा कोल जाइए, खुदा बाप और बेटे कोल माफिया मंगिए, ओदे कदमां च डिग पईए ते ओ सानू अपना हथ उतो भी हथ वधा के बचा सकदा, ओ साडे नाल है, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੋ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਅਬਦੀ ਬਾਪ ਤੇ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਏਗਾ,
ते सानू बचाएगा। मेरे भारी दूते दुश्मन जिन्ना वैर वधै, मेरे वो जेड़े सके सन ओना बड़े सख्त दुश्मन सन, ओना मेनू वैर विखाया। ते वैरी साडा इस दुनिया ते कौन है? वो शैतान। शैतान नालों वड्डा दूती दुश्मन कोई भी, वो खुदा दे मुकाबले चे और वो खुदा नू जेड़े मन दे ने उन्ना नू हर पूरी कोशिश कर दे के उदे तो उन्ना दूर करे। उन्ना कड़ो मेरे रब ने मिन्नू आप चिड़ाए और खुदा ने अपना बेटा पेच के उस शैताना कोलो उन जालमा कोलो जेड़े गुनावा च डूबे सन दुनिया ने उन्हें ने गुनावा च डुबो छड़े सी, उन्हें अपना बेटा करके सानू बचाया। उन्हें कोलो मेरे रब ने मिन्नू आप चिड़ाए, वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है उदे नाल, उदी सतारा है मेरा किता सामना होना जदों सामने बीबीता नाल। पर खुदावन मेरा रबी मिन मेरा वो छिड़ावन वाला है और वो मिनू छिड़ांदा है, वो जोर है मेरा, वो जोर है मेरा और मिनू वो बचावेगा। और साडा जेड़ा रब दे आपे ही उतरो हाथ वदा के मिनू रब बचावेगा और डूंगे पानी विचो मिनू कड ले जावेगा। और बहुत सोनी दी तर्ज बहुत खूबसूरत है, जबूर सारे ही बड़े खूबसूरत और एक वजह तारी आंदा जदों असीं इन्हां नूं गाईए। और मैं जाती तौर ते बड़ी रियासत इन्हां दी कीती चुके बहुत सारे खूबसूरत सच्चे ते सुचे सुरां दे राग ने बड़ी बड़ी शबाज जमाम दी नूं बहुत खुदा ने बरकत त्यार ना को नबीना सा, लेकिन खुदा ने उन्हें इन्नी ताकत दी कि उस वेले दे वड़े वड़े गाउन वाले छण उन्होंने बुला के बिठा के कोल बिठा के एडे खूबसूरत जमूरा नू पंजाबी च शायरी कीती कन्वर्ट कीता उन्होंने वो ते फिर उन्होंने दिया तो किन्नी किन्नी मेहनत कीती होगी। और खुदा ने जो समाम दीन शबाज समाम दीन ना ना किथे पंजा दिता है, तो खुदा ने जदों किसे नू कोई तोड़ा देंदा है ते खुदा दे नाल ते सानू कदी भी अपने रब नू अज भी असी रब सानू नहीं भुलदा कदी भी। और रब जेड़ा सानू बचा लेंदा है, सानू ओदे ते पक्का पुख्ता ईमान असी अज भी करिए तो सानू बचाण लई तैयार है, साडी हर गल सुनण लई तैयार है और सानू इस वबा तो छुड़ाण लई तैयार है। खुदा कोलो दुआ मांगदे रहो, खुदा तुहानू बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। सारी दुनिया लई दुआ मंगो, ये नहीं कि मैं अपनी जात लई या मैं अपने खानदान लई या मैं अपने मुल्क लई, सारी दुनिया, क्योंकि खुदा सारिया नाल मोहब्बत करदा है। ओदे सामने ना कोई काला ना कोई गोरे दी, ओदे क्योंकि मखलूक ते सारी खुदावंदी है, इसलिए वो सारिया नूं प्यार करदा है। असी भी सारिया लई दुआ करिए, ठीक है, अपने घर लई, अपने बच्चियां लई, अपने खानदान लई भी करिए, अपने मुल्क लई भी करिए, अपनी मसीही कौम लई करिए, खुदा बाप ते खुदा बेटे नूं मनन वाले लई दुआ करिए, क्योंकि ये बीमारी जेड़ी है सवाए दुआ तो सवाए खुदा दी दुआ और सब तो वड़ी वैक्सीन जेड़ी है खुदा खुदा दे बेटे दा पाक खून है। ओदा बदन ते पाक खून तो वड़ी वैक्सीन कोई नहीं जेड़ी सानू ते सारी दुनिया नू बचा सकती, ते असी ओदा पाक ना लईए, ओदा पाक बदन खाइए, पाक खून पीए, दुआ करिए, खुदावंत कोलो गलतियां गुनाहां दी माफी मंगिए ते ओ सानू जरूर बचाएगा, सानू डूंगे पानी चो जरूर कढ़ेगा। और मेरा पुख्ता ईमान है खुदा तुहानू सारिआं नू बहुत बरकत दे और हर तरह ना हर मुश्किल तो हर दुख तकलीफ तो हर किस्म की बीमारी तो वबा तो बचा के रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।